साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग का है जो अभी 1 मार्च 2021 को हुआ है। यह पेपर सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है, चाहे वो ट्रेड 1 साल की है या 2 साल की है। यहाँ पर साफ लिखा भी हुआ है पेपर 4, फर्स्ट ईयर में इसको पेपर 4 के नाम से जाना जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर। एनुअल एग्जामिनेशन कॉमन फॉर 1 और 2 ईयर ट्रेड, तो मतलब ट्रेड चाहे 1 साल की या 2 साल की, सब के लिए फर्स्ट ईयर का जो पेपर आता है वो कॉमन आता है। टाइम इसके लिए 3 घंटे है और जो मैक्सिमम मार्क्स है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कितने हैं, 50 नंबर का ये पेपर है। तो आपको अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, 4 क्वेश्चन हैं। पहला जो क्वेश्चन था, ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग, ए बॉल पिन हैमर और दूसरा है डबल एंडेड स्पिनर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये हर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ टूल्स रिलेटेड टू योर ट्रेड, लेकिन यहाँ पर सीधा डायरेक्ट नाम दिया गया है बॉल पिन हैमर एंड डबल एंडेड स्पिनर। तो आपने बॉल पिन हैमर और डबल एंडेड स्पिनर का एक स्केच तैयार करना था। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बॉल पिन हैमर, ये आपने बनाना था। बॉल पिन हैमर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसका ऊपर वाला जो सिरा है वो गोल होता है, एक बॉल की तरह होता है, इसलिए इसको बोला जाता है बॉल पिन हैमर। तो आपको ये ड्रॉ करना था सिंपली, 5 नंबर का था ये। और दूसरा था डबल एंडेड स्पिनर, ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। डबल एंडेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके साथ हम जो नट बोल्ट है दोनों साइड से टाइट या लूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है डबल एंडेड स्पिनर। तो आपने इसका फ्री हैंड स्केच बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10 नंबर का, बहुत ही सिंपल था। रीड्रॉ द गिवन ड्रॉइंग अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, ऑल डायमेंशन आर इन mm, अज्यूम मिसिंग डायमेंशन इफ एनी। ये एक क्यूब दिया गया था, ये क्यूब आपको दोबारा रीड्रॉ करना था सेम डायमेंशन के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था 10 नंबर का। तो क्यूब की जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट थी वो थी 24 mm यानी 24 मिलीमीटर। जो फ्रंट फेस था वहाँ पे एक सर्कल था और सर्कल का डायमीटर दिया गया था 15 mm, तो 15 mm डायमीटर का आपने एक सर्कल यहाँ बीच में बनाना था। इधर जो साइड फेस है, साइड फेस में एक स्क्वायर कटा हुआ है और स्क्वायर की जो डायमेंशन दी गई है वो 14 mm थी, लिखा हुआ था 14 स्क्वायर, यानी इसकी जो चारों साइडें हैं वो कितनी हैं, 14 mm की। तो आपने इस क्यूब को रीड्रॉ करना था सिंपल, इसके 10 नंबर आपको मिल जाएंगे जिसने भी इसको ड्रॉ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ड्रॉ द सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एज पर IC स्पेसिफिकेशन इफ बिगर डायमीटर डी इज 40 mm। आपने सिंबल बनाना था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। इसमें डायमेंशन दी गई है, जो बड़ा डायमीटर आपने लेना है जब आप उसका सिंबल बनाओगे वो लेनी है 40 mm, जो स्मॉलर डायमीटर है वो गिवन नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको इसको इस प्रकार ड्रॉ करना था। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये जो ऊपर बनाया गया है ये सिंबल है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, तो आपको यहाँ पर साइड में लिखना भी था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इसमें जो बड़ा सर्कल है उसमें हमने लिया है 40 mm, यहाँ ऐसे डायमेंशन लिख देनी थी। छोटा डायमीटर अपनी मर्जी का ले सकते हो, हमने यहाँ पर कितना लिया है 20 mm लिया, तो इस प्रकार लिखना है। फिर इधर आपने उसका फ्रंट व्यू बनाना था, फ्रंट व्यू जो ये लेंथ है ये हमारी रहेगी 40 mm और जो ये छोटी लेंथ है ये रहेगी हमारी 20 mm, तो ये सिंबल ऐसे बन जाना था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। इसी प्रकार थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी हमें सिर्फ क्या करना होता है, जो ये छोटा फेस है इसको उल्टा कर देना होता है, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू ऊपर होता है और फ्रंट व्यू नीचे होता है, तो इस फ्रंट व्यू को हम नीचे बनाएंगे और टॉप व्यू को ऊपर, लेकिन जब घुमाकर बनाते हैं तो सिंबल ऐसे बनाया जाता है। तो फर्क क्या आता है, इस फेस का आता है। अब बड़ा फेस अगर सर्कल की तरफ है तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल होता है, अगर छोटा फेस इसकी तरफ है तो वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल होता है। सिंपली आपने यही बनाना था और यहाँ साइड में लिख देना था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। तो ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ड्रॉ फ्रंट व्यू साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट गिवन था आपको, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसके फ्रंट व्यू साइड व्यू और टॉप व्यू बनाने थे। ये भी बहुत ही सिंपल फिगर थी और 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके लिए हमें क्या करना था, इस प्रकार से उसके प्रोजेक्शन बनाने थे। ये हमारा फ्रंट व्यू है, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया फ्रंट व्यू आपने कौन सा लेना है, लेकिन मैंने बताया था कि फ्रंट व्यू हमेशा वो लो जिसमें मैक्सिमम डायमेंशन दिखती है। तो मैक्सिमम डायमेंशन इस वाले फेस पे आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको एक होल दिखाई दे रहा है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इधर से हम बनाएंगे फ्रंट व्यू। अब इसके जो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने उसके लिए हम 2 लाइनें लगाएंगे, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं।
इसके बाद ये जो प्रोजेक्शन बनाने थे आपने बनाने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, इसका मतलब है फ्रंट व्यू नीचे आएगा, टॉप व्यू ऊपर आएगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बनाएंगे नीचे की साइड। तो जब फ्रंट व्यू बनाएंगे इधर से, तो जो फ्रंट से हमें क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है, इस सारी चीज़ को भूल जाओ। तो फ्रंट से हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है, बॉक्स दिखाई दे रहा है हमें, एक रेक्टेंगल और उसके अंदर एक छोटा बॉक्स है। तो जिसकी डायमेंशन क्या थी, लेंथ कितनी हमारी 25, तो एक 25 mm की एक लाइन खींचेंगे। ऊपर कितना है, जो इसकी हाइट कितनी है वो दे रखी है 20 mm, तो 20 mm की एक लाइन लगाएंगे और इस बॉक्स को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद 5 mm इधर से छोड़ेंगे, 5 mm इधर से छोड़ के बीच में भी एक बॉक्स तैयार करना है, जिसकी डायमेंशन कितनी है, लंबाई 15 है और ये कितनी बच जाएगी, 10 mm बच जाएगी। तो इस प्रकार ये बन जाएगा फ्रंट व्यू, और साइड में लिख दोगे फ्रंट व्यू। इसके बाद टॉप व्यू, टॉप व्यू में हमेशा यहाँ से लेना है। तो टॉप व्यू में हमें सिर्फ ये ब्लॉक दिखाई देगा, इसकी लेंथ कितनी है 25 mm और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है 20 mm। तो टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर बनता है, इधर साइड में अगर कहीं बना देंगे तो वो गलत होगा। तो बिल्कुल सीधे बनाने के लिए हम पेंसिल से हल्के हल्के ऐसे प्रोजेक्शन ले लेते हैं। प्रोजेक्शन लेने के बाद जो ये लेंथ कितनी है 25 mm, जो हाइट कितनी है वो 20 mm, तो ऐसे एक ब्लॉक बना के तैयार कर देंगे। इसके बाद जब हम टॉप से देखेंगे तो जो हमारे अंदर ये ब्लॉक है खाली, ये ऊपर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो इसको शो करने के लिए हम हिडन लाइन्स का प्रयोग करेंगे। वो हिडन लाइन्स किसकी सीध में आएंगी, इस बॉक्स की सीध में। तो यहाँ से भी प्रोजेक्शन लेकर यहाँ पर हम ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन लगा देंगे, इससे ये पता लग जाएगा कि ये चीज़ टॉप व्यू में दिखाई नहीं दे रही है लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो ये बन जाएगा टॉप व्यू, और साइड में लिख देंगे हम टॉप व्यू। अब है साइड व्यू। साइड व्यू आप इधर से लो या उधर से लो, दोनों साइड से सेम ही है। तो साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के साइड में बनता है, तो हमने यहाँ पर साइड व्यू बना दिया है। तो साइड व्यू से हमें ये वाला जो हिस्सा है ये दिखाई देगा, एक स्क्वायर है 20x20 mm का। तो हम जैसा कि फ्रंट व्यू के बिल्कुल साइड में बनाना है, तो इधर से भी हम प्रोजेक्शन ऐसे ले लेंगे, और प्रोजेक्शन लेने के बाद हम एक स्क्वायर तैयार करेंगे 20x20 का। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है 20 है, ऊंचाई क्या है 20 है, तो 20x20 का बॉक्स तैयार कर दिया हमने। फिर उसी प्रकार जो ये अंदर वाला बॉक्स है, साइड व्यू से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो इसके लिए हम हिडन लाइन्स का ऐसे प्रयोग करेंगे इनके बिल्कुल सीध में, और यहाँ लिख देंगे साइड व्यू। तो ये था हमारा प्रोजेक्शन। तो तीन चीज़ें ही हमें ऐसे बनानी थी, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। जिसने भी ये बनाया उसके पूरे 20 नंबर मिलेंगे। ऐसे हम डायमेंशन लिख देंगे। डायमेंशन सभी व्यू में लिखने की जरूरत नहीं है, किसी एक व्यू में लिख सकते हो। तो हमने फ्रंट व्यू में सभी डायमेंशन लिख दी हैं, तो आपने भी ऐसे ही लिखना था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि जो हमारे पेपर में 4 क्वेश्चन आए थे वो किस प्रकार से करने थे। तो अब आपने जितने क्वेश्चन किए हैं और किस प्रकार किए, आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपके मार्क्स कितने आएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दूसरे साथियों के साथ इसको शेयर करें, ताकि उनको भी पता लग जाए कि उन्होंने एग्जाम में कितना पेपर अटैम्प्ट किया और कितने उनके मार्क्स आ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।